इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा के समीकरण दिए गए हैं, 200 sin 314 t प्लस पाई बाय 6, और धारा का समीकरण है 5 sin 314 t माइनस पाई बाय 6 एम्पियर। ज्ञात कीजिए, पहला प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति। तो देखो दोनों समीकरण में ये जो टी का जो गुणांक होता है ये ओमेगा की वैल्यू है, ठीक ना। ये शिखर मान हो गई वोल्टता की, वी नॉट कितना 200 वोल्ट, ये धारा के शिखर मान कितना 5 एम्पियर, ठीक। और ओमेगा कितनी हो गई 314 रेडियन पर सेकंड। तो पहला कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा कितना है 314 डिवाइडेड बाय 2 पाई। पाई से इसे काटो कितना आ गया 100, और 2 से काट दो कितना आ गया 50। तो आवृत्ति कितनी आ गई 50 हर्ट्ज। सेकंड, दूसरा है वोल्टता वोल्टेज तथा आई के मध्य कलांतर। तो कलांतर हो जाएगा, वोल्टेज का फेज बड़ा है, बड़ा वाला फेज माइनस छोटा वाला फेज, मतलब ऐसा हो जाएगा 314 t माइनस प्लस पाई बाय 6 माइनस 314 t माइनस पाई बाय 6, ठीक। तो फाइव इक्वल टू क्या 314 t प्लस पाई बाय 6 माइनस 314 t प्लस पाई बाय 6, इससे कैंसिल 2 पाई बाय 6, तो पाई बाय 3, ठीक। तो ये कलांतर आ गया। तीसरा क्या है, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा तो बहुत आसान है, आर इक्वल टू वी बाय आई, तो जेड इक्वल टू वी नॉट बाय आई नॉट। तो वी नॉट कितना है 200 बटे 5, कितना आ गया 40, 40 ओम आ गई प्रतिबाधा, क्लियर।